Okay guys, in the last two lectures we already discussed about analogy between translational and rotational motion. After that we discussed about the interrelation between translational and rotational motion. In this lecture we are to see moment of inertia. So before understanding moment of inertia, it is very important to know about inertia, which is also called as a linear inertia also. So while understanding the inertia, already you discussed it is in 9th and 10th standard. So before going to inertia, why we should study inertia? Let's see. Analogy already you discussed. Linear displacement is analogous to angular displacement. Linear velocity is analogous to angular velocity. Linear acceleration is analogous to angular acceleration. Now, in linear motion, some of the relations are like Newton's first law, F is equal to mass into acceleration. Second, linear momentum is product of mass and velocity. After that, kinetic energy of moving body, linearly moving body, is half mv square. Now, same thing, if you want to apply it in a rotational motion, it is very important to know what is the analog of mass. Why only mass? Because analog of acceleration is already in angular acceleration. Velocity, angular velocity, velocity, angular velocity. So which factor is remains here? Only mass. So it is important to know what is the rotational analog of mass. Rotational analog of mass ka study karne ke liye hume important hai inertia ka study karne. So inertia means linear inertia. Inertia ki simple definition aap logon ne dekhi hai. Ability of a body or tendency of a body to resist in change of a state of rest or state of motion. Ability of a body to resist change in its state of rest or state of motion until it is applied by external force. Iska matlab kya hua? Koi bhi body jo hai, वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसे अपोज नहीं करते, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो उसकी कंडीशन चेंज नहीं करेगी. उसका हम सिंपली क्या बोलेंगे, इनर्शिया और लीनियर इनर्शिया. लाइक टेक एन एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द डस्टर एंड दिस इज द पेन, बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल. इफ यू वॉन्ट टू मूव देम, आई हैव मोशन. Which body is requiring less force? Of course, pen. Duster require more force. It means duster and pen both are in the state of rest. अब जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होने वाली है, मोशन में कन्वर्ट होने वाली है. लेकिन इसका जो स्टेट है रेस्ट में है और उसको मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस बॉडी को ज्यादा लग रहा है. इसका मतलब ये बॉडी ज्यादा अपोजिशन और ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है. किसके लिए? इसकी स्टेट चेंज न होने के लिए. तो इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी. इसका मतलब ये जो लीनियर इनर्शिया है, दिस लीनियर इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास ऑफ दिस डस्टर. सो इन लीनियर मोशन इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट अब हम देखेंगे रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देखा कि जो भी इनर्शिया है इनकी सब लीनियर मोशन इट डिपेंड ऑन मास. मोर द मास मोर द इनर्शिया. एग्जाम्पल भी ले सकते हो, एक कार है और एक ट्रेन है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं. सपोज दोनों को एक ही साथ ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो कौन जल्दी रुकेगा? ऑफकोर्स कार. ट्रेन विल नॉट गोइंग टू स्टॉप फर्स्ट बिकॉज ट्रेन हैज अ लार्जर मास, सो इट पजेस मोर इनर्शिया. और मोर इनर्शिया होने के कारण वो ऑलरेडी मोशन में था तो वो मोशन में ही रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा. उसका पोजीशन और उसका जो स्टेट है वो स्टेट चेंज नहीं करेगा जल्दी. तो इनर्शिया जो है, लीनियर इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास. मोर द मास मोर द इनर्शिया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखेंगे तो देखो यार, एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ. जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था कि इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे फोर्स लगा है, यहाँ पे फोर्स लगा है, यहाँ पे फोर्स लगा है, तीन जगह पर फोर्स लगा. तो यहाँ पे इस केस में जब आप लोग यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो रोटेट करने के लिए इट रिक्वायर लेस एफर्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ पे हम जब इनर्शिया पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज नॉट सफिशियंट टू रोटेट इट, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस डिस्टेंस. तो रोटेशनल इनर्शिया पढ़ने के लिए हमें ये भी इंपॉर्टेंट सोचना चाहिए कि यहाँ पे फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों मैटर करेगा. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट दिस चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स. तो रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑल्सो टेंडेंसी ऑफ बॉडी. लेकिन किसकी टेंडेंसी है, रोटेटिंग बॉडी, किसकी टेंडेंसी है, रोटेटिंग बॉडी. सो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. रोटेट हो रहा है, उसका स्टेट क्या है, अभी रोटेट हो रहा है. सपोज फैन, फैन का एग्जाम्पल, फैन घूम रहा है, उसको मैंने ऑफ कर दिया तो तुरंत ऑफ नहीं होगा क्योंकि उसका ऑलरेडी स्टेट क्या था, मोशन का. तो मोशन का था तो वो मोशन में रहना चाहता है, वो अपोज कर रहा है. किसके लिए अपोज कर रहा है, रेस्ट में आने के लिए अपोज कर रहा है. तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को चेंज नहीं करने देने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जो डिस्कस किया, इट इज डिपेंड ऑन फोर्स एज वेल एज दिस डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है इस यहाँ पे जो मास है, वो जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस मास पे डिपेंड कर रहा है. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड ऑन दिस फोर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फोर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फोर्स और मास पे कैसे डिपेंड करेगा.